नहीं, 4 बंदे नहीं है भाई, 7 7 बंदे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। सैम सैम भाई मिर्ची में उतर यहाँ, और ये भाई भी मिर्ची में आ गए। ये बाहर हैं, ये भी बाहर हैं, ये भी बाहर हैं, ये भी बाहर हैं। अरे भाई इतनी दूर उतर भाई, कस्टम रूम में भी सेफ फील हो गया। दोनों गन ढूंढ रहे हैं, दोनों गन ढूंढ रहे हैं, और पीछे से ये डीजे अथ्रो रोनी और तन्ने दोनों क्रैप ग्रास में हैं, उनके बीच फाइट होती है, देखते हैं। अरे भाई लेथल रोनी ने तन्ने को खा लिया भाई, सॉरी भाई तुम्हारे लिए, तुमको तो लूटे लूटे लेथल रोनी ने खा लिया। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट फाइट की ओर। नेक्स्ट फाइट अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड है यहीं पर, अपना रोनी की तरफ जा रहा है। अरे सैम और फाइट हो रही है। अरे सैम भाई कबूतर लेके चल रहे हैं, अटैक हो गया। अरे भाई भाई ये सैम तो खा गया रोनी भाई को। भाई सामने भाई तुम्हारा बदला ले लिया सैम ने, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट फाइट कहाँ होने वाली है। ये तो भाई साहब वेट डेविड, ये फाइट होने वाली है। फाइट देता कहीं, अरे भाई दे दिया एरर ने बॉट फायर। ये आ गया वापस भाई, अरे 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 ओ रे ये गाड़ी से, अरे बच गया भाई, अरे भाई क्या बचा गाड़ी से, फिर भी सैम भाई आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट फाइट, ये तो भाई जोन से ही मरेगा, 100% जोन से ही मरेगा। राइट में ड्रॉप है, सैम को मालूम नहीं है, लेकिन लेकिन अपने भरेजा भाई को मालूम है, लेकिन उन्होंने एक्ट नहीं किया। जा रहा शाम भाई ड्रॉप की तरफ, अभी ड्रॉप पे भाई लूट लिया भाई, वो तो बैठा हुआ है भाई, क्या कर रहे हो। ए बबलू एम ले लिया, अरे भाई सैम को पता लग गया भाई ऊपर टावर पे बंदा चढ़ा हुआ है भाई, निकलो यहाँ से नहीं तो मर जाओगे। देख गया भाई, और ये AWM मारने वाला है। ए बबलू एम पड़ेगी कि नहीं देखते हैं भाई साहब, कैंपिंग वास्ते प्रो। ये बैकअप करते हुए भाई साहब
मॉली फेंकी थी लेकिन मॉली नीचे चलेगी लगी नहीं। अरे भाई कुछ करो भाई, कुछ फेंको, बम बम गोला बारूद कुछ तो फेंको। अरे भाई चांस मिला तो मार दो। अरे भाई तुम्हारे पास मौका, अभी उसका ध्यान दूसरी तरफ है। ओ हेडशॉट मारा भाई साहब, ए बोलू एम का सैम भैया जबरदस्त खेल रहे हैं भाई साहब। और ये डबल भैया जबरदस्त कैंपिंग कर रहे हैं। और अभी हमारी नेक्स्ट फाइट जो फिक्स है वो है सैम और डीजे अर्थ्रव के बीच में। ये सैम भैया फ्लैंक करते हुए मेरे गाना तू अवतार है भाई, ये समझ में 37 साल में तेरे ये देख के सोच के एवरेज वो कहते हैं ना 25-26 साल के। नहीं एज कितनी है 25 साल आजकल जितने, नहीं एक्चुअल एज कितनी है? मेरी एक्चुअल एज 23 साल 98 का जन्म है, 1998 बड़ा भाई 26 साल में 25 साल। फिजिक ना नहीं डिफरेंट करता, मैच्योरिटी ना भाई बंदे नु जज किया जाता। तो तुसी मैच्योरिटी देख ही ली ना दी। 30 का रखता हूं मैं भाई, 25 का एवरेज दिया तेरे को भाई। मैं तुसी मैच्योरिटी लेवल देखो कितने इनका, मैच्योरिटी लेवल देखो कितने इनका। आते उस हिसाब नाल न्याणी है। अरे भाई हेडशॉट मारा भाई, बंदा क्या हेडशॉट मार रहा है आपका। हमारा रैंडम बंदा है से। अब ये एक कैंपर है और एक प्रो प्लेयर है, देखे क्या बनता है। मैं तो है ही नहीं बेचो, कैंपर वर्सेस प्रो प्लेयर। प्रो कैंपर के सामने है प्रो प्लेयर, लेकिन कैंपर गोली नहीं चला रहा। देखो ये इतनी बटी हुई है उसकी, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे भी। मैं बंदा मार दूंगा सामने, बंदा ओपन से रिएक छोप ला के ओपन करके बैठा हुआ है, पर गोली नहीं चलाई। चलाई है एक एक टैप टैप करके, उन्हें पता लग गया उन्होंने कितने है बंदा, उन्हें छेल देनी है फड़ के। भाई साहब फाइनल मैच कैंपर वर्सेस प्रो प्लेयर, देखते हैं कौन जीतता है। प्रतीक भाई तुम्हारी रिक्वेस्ट आई नहीं पेज के, सॉरी ग्रुप के लिए, तुमने पेज को लाइक किया जो मैंने लिंक शेयर किया ना ग्रुप का है, ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक शेयर करो, सॉरी रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा काम है बस। अरे भाई भाई जीत गया प्रो प्लेयर हेडशॉट मार के। दूसरे नंबर पर बना रहा है किसने?